उनकी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं में, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में और सामाजिक महत्वाकांक्षाओं में। और ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब जब मैं फॉलो करता हूँ अपने नेता को, माननीय आकाश आनंद साहब, मैं इनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, इनको फॉलो करता हूँ, बिजनेस पे इनके जो प्रोस्पेक्टिव है उनको फॉलो करता हूँ, मुझे बिजनेस की बहुत समझ नहीं, लेकिन मजलू उद्योगों को लेकर और जो गरीब व्यक्ति उसकी उद्योगों में क्या भूमिका है उसको लेकर जब मैं इनके प्रोस्पेक्टिव को पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अगर कोई नेता जिसके पास व्यवहारिक समझ है, जो मध्यम दलितों में उभरे मध्यम वर्ग और तमाम भारत के जो गरीब वर्ग है, वंचित शोषित तबका है, उनको आवाज़ दे सकता है, तो वो भाई आकाश आनंद जी ही हो सकते हैं। और उनके जरिए ही हम बहुजन समाज पार्टी और पूरे बहुजन आंदोलन को एक बेहतर उच्चतम शिखर पर ले जा सकते हैं। आज हम लोग के बीच में भाई आकाश आनंद जी मौजूद हैं, हम सबके लिए गौरव का विषय है, हम सबसे एक दूसरे से अपनी बातों को साझा करने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए, समझने के लिए आज हमारे पास एक बेहतरीन अवसर है। मैं मंच आप सभी के साथ साझा करता हूँ। सर का एक बार फिर से कि बहुजन आंदोलन अपने संक्रमण काल में है और बदलाव और चुनौतियों के नए नए आयामों से गुजर, और ऐसे समय में जब बहुजन विचारधारा या हमारे महापुरुषों द्वारा सिखाई गई जो शिक्षाएं, जिन साथियों ने उनको पूरी गंभीरता के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरी सजगता के साथ उसका अध्ययन नहीं किया है, उनको ये महसूस होता है, वो बहुत जल्दी हौसला हार जाते हैं, बहुत जल्दी उनको लगने लगता है ये क्या हो रहा है, तो सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन जो लोग समझ पाते हैं, आंदोलन को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि नहीं, ये संक्रमण का दौर है, बदलाव का दौर है, और ऐसे बदलाव के दौर में एक बेहद ही जरूरी समय, जब लीडरशिप बदल रही है, देश दुनिया की आर्थिक नीतियां बदल रही हैं और भारत की भी सामाजिक और आर्थिक दशा बदल रही है, खासकर दलितों की जो सामाजिक दशा है उसमें बदलाव आया है, और उसके बदलाव के साथ साथ उनके एस्पिरेशन, उनकी महत्वाकांक्षाओं में, उनकी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं में राजनीति फ्रैक्चर में बटा हुआ दलित समाज या फ्रैक्चर में बटा हुआ हमारा समाज, जिसके कारण हम एक सब एकजुट नहीं हो पा रहे और हम राजनीतिक मंच पर, पॉलिटिकल सर्कल्स में हम अपने आप को मजबूत तरीके से खड़ा नहीं कर पा रहे। एजुकेशन, डिजिटाइजेशन, किसी ने बोला कि कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग उदास हैं, और फाइनली अब अपने पे ही आ गई कि दलित होना कोई एक जैसे बेइज्जती जैसी बात है। सारे जो आप लोगों ने पॉइंट रखे, जो आप लोगों ने अपने व्यूज़ रखे, ये बहुत पहले से सुनते भी आ रहे हैं, बहुत समय से देखते भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो काम जिनका काम सुनने का था और काम करने का था।